हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं कनिष्का स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, हमने वर्ब की डेफिनेशन पढ़ ली है, वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं हमने वे भी पढ़ लिए हैं और वर्ब्स के टाइप्स की डेफिनेशन भी पढ़ ली है। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम वर्ब की फॉर्म्स पढ़ेंगे। दोस्तों, आज हम वर्ब की फॉर्म्स पढ़ेंगे, उन्हें याद कैसे रखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, वर्ब के चार तो टाइप होते हैं, वर्ब के फोर टाइप्स होते हैं, चार प्रकार होते हैं। कौन कौन से? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और हेल्पिंग वर्ब। पर वर्ब दो तरह की होती हैं, चार उसके टाइप्स होते हैं पर वो दो तरह की होती हैं। मतलब जो वर्ब की फॉर्म्स होती है उसके अंदर वे दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है रेगुलर और एक होती है इररेगुलर। उसके बारे में अभी आपको बाद में बताने वाली हूँ। पहले देखो, हम वर्ब की फॉर्म पढ़ते हैं। जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं हमने कई बार देखा है, एक तो ऐसी होती है जिनकी सेकेंड या थर्ड फॉर्म में डी या ई डी होता है। ध्यान से सुनो, वर्ब की फॉर्म्स बहुत सारी होती हैं, वर्ब की फॉर्म्स बहुत सारी होती हैं, पर कुछ ऐसी होती हैं जिनकी में सेकंड या थर्ड फॉर्म में डी हो या ईडी हो, और कुछ ऐसी होती हैं जिनकी सेकंड या थर्ड फॉर्म में डी या ईडी ना हो। अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम रेगुलर पढ़ेंगे। देखो, प्ले, प्लेड, प्लेड, पी एल ए वाई, प्ले, प्लेड, प्लेड। इनके पीछे देखो दोस्तों, इनके पीछे प्ले थी, इसकी क्या थी, फर्स्ट फॉर्म थी, ये इसकी सेकंड फॉर्म थी और ये इसकी थर्ड फॉर्म थी। तो इसके फर्स्ट फॉर्म क्या थी? प्ले। सेकंड फॉर्म में प्ले के बाद ई डी है और थर्ड फॉर्म में भी प्ले के बाद ई डी है। तो जिनके पीछे डी या ई डी हो दोस्तों, वे होंगी रेगुलर। जैसे कि अनस्वर, अनस्वर्ड, अनस्वर्ड, इनकी हिंदी समझो, प्ले कहते हैं जो ये होता है, प्ले उसको कहते हैं खेलना। आंसर, उत्तर देना या जवाब देना, और डेकोरेट, किसी चीज़ को डेकोरेट करना, सजाना। ठीक है, अब देखो, डेकोरेट, डेकोरेटेड, डेकोरेटेड, किसी के पीछे डी हो दोस्तों, किसी के पीछे डी हो या ई डी हो, डी हो, डी हो या ई डी हो, वे क्या होती हैं, वे रेगुलर होती हैं। जैसे यहाँ देखो, प्ले फर्स्ट फॉर्म थी, इसके बाद ई डी, इसकी थर्ड में भी ई डी, यहाँ डेकोरेट, डेकोरेट तो है, पीछे क्या लग गया, डी, यहाँ डेकोरेट था, पीछे क्या लग गया, डी। ऐसे ये है प्ले, प्लेड, प्लेड, आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड, डेकोरेट, डेकोरेटेड, डेकोरेटेड, एडवाइस, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, काउंट, काउंटेड, काउंटेड, हेट, हेटेड, हेटेड, और अरेस्ट, अरेस्टेड, अरेस्टेड। तो दोस्तों, ये क्या होती हैं, ये होती हैं वर्ब के फॉर्म्स। इनके अंदर, इनके पीछे सेकंड और थर्ड फॉर्म में क्या लगा है, डी या ई डी, डी या ई डी का यूज़ हुआ है। तो दोस्तों, ये क्या होती हैं, ये होती हैं रेगुलर वर्ब्स। ठीक है, देखो सबसे आसान है रेगुलर वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स जो होंगे सबसे आसान थी। ठीक है, अब क्या है, इररेगुलर क्या होती है? इररेगुलर वर्ब्स दोस्तों, वे वर्ब्स होती हैं जिनकी सेकंड या थर्ड फॉर्म में डी या ई डी ना हो, जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में डी या ई डी ना हो। जैसे ईट, एट, ईटन, एट थी फर्स्ट फॉर्म, एट सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ईटन, गो, वेंट, गोन। इसमें तो बिल्कुल ही अलग है, सेकंड भी अलग, थर्ड भी अलग, पर इसमें सेम था, इसमें ई डी है, इसमें ई डी है, इसमें डी है, इसमें डी है, सेम है। दोस्तों पक्का बता रही हूँ, सबसे आसान रेगुलर है, सबसे आसान रेगुलर है ये। इनके पीछे क्या लगेगा, सेकंड और थर्ड फॉर्म में डी लगेगा या ई डी। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, ये रेगुलर वर्ब्स होती हैं। अब इररेगुलर क्या होती हैं, तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे इररेगुलर वर्ब्स क्या होती है। अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था दोस्तों, अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं, और वो क्या होती हैं, उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में या तो डी होगा या ई डी होगा। अगर सेकंड और थर्ड फॉर्म में लास्ट में डी या ई डी हो तो वे कौन सी होंगी, रेगुलर होंगी। और इररेगुलर क्या होती हैं दोस्तों, इररेगुलर होती है जिनके सेकंड या थर्ड फॉर्म में डी या ई डी ना हो, मतलब रेगुलर के बिल्कुल अपोजिट, इसमें डी या ई डी नहीं हो। जैसे कि देखो, गो, वेंट, गोन, इसमें कहीं वेंट के बाद ईडी है, नहीं है, गोन के बाद ईडी है, नहीं है। तो ऐसी वर्ब्स, ऐसी वर्ब की फॉर्म, ऐसी वर्ब्स नहीं, ऐसी वर्ब की फॉर्म्स जिनके पीछे डी या ईडी ना हो, वे क्या होंगी, वे इररेगुलर वर्ब्स होंगी। कम, केम, कम,
सी सा सीन। इनके पीछे देखो दोस्तों, इनके पीछे ना ही डी लग रहा है और ना ही ई डी लग रहा है, तो ये क्या है? तो ये है इररेगुलर वर्ब्स। सिट सेट सेट, कट कट कट। देखो दोस्तों ध्यान से सुनना, रेगुलर वर्ब्स जो होती हैं उनके पीछे तो सिर्फ डी आई डी, बस कहानी खत्म। पर इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर देखो फर्स्ट ये होती है, फर्स्ट ये होती है, सेकंड और ये होती है थर्ड। कई कई बार इररेगुलर के अंदर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलग भी होती हैं, जैसे गो वेंट गोन, सी सा सीन, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। ठीक है, ये ऐसी हैं जिनकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म तीनों फॉर्म्स बिल्कुल ही अलग होती हैं। कुछ ऐसी भी होती हैं जिनकी सिर्फ सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम हो, जैसे कि सिट सेट सेट, इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म अलग है और सेट सेट सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। तो कुछ ऐसी भी होती हैं, और कुछ ऐसी भी होती हैं जिनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों ही सेम हो, कुछ तीनों ही अलग हो, कुछ दो सेम हो सेकंड और थर्ड, और कुछ ऐसी होती हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों ही सेम हो, जैसे कट कट कट, पुट पुट पुट। तो ये ऐसी वर्ड्स हैं जिनके पीछे फर्स्ट सेकंड और मतलब जिनमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम है। ठीक है, देखो इररेगुलर के अंदर ये आते हैं, इनके पीछे देखो एक तो ये है, एक तरह का ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इनके पीछे डी आई डी थोड़ी ना लग रहा है, अगर डी आई डी होता तो ये रेगुलर होती, पर यहाँ डी आई डी नहीं है तो ये कौन सी है, इररेगुलर है। और ये इररेगुलर के अंदर ही आती हैं कि जिनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बिल्कुल ही तीनों अलग हो, जिनकी फर्स्ट अलग हो सेकंड और थर्ड फॉर्म तीनों सेम हो, मतलब दोनों सेम हो एक अलग हो, और कुछ ऐसी होती है जिनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों सेम होती है। तो ये इररेगुलर के अंदर ही आ गई, क्यों? क्योंकि इनके पीछे डी आई डी नहीं है। ठीक है, अब एक बात सुनो, सबसे अच्छी कौन सी है? सबके में मन की बात पता है क्या है, सबकी मतलब सभी ऐसा ही चाहते हैं कि इररेगुलर और रेगुलर में से सबकी मनपसंद रेगुलर है, पक्का पसंद है सबकी रेगुलर है, क्योंकि ये तो इनमें याद करनी पड़ेगी, गो वेंट गोन इनमें याद करनी पड़ती है, उसमें भी याद करनी पड़ती है, पर उसमें तो पता है ना डी आई डी होना चाहिए, सेकंड और थर्ड फॉर्म में डी आई डी होना चाहिए। इररेगुलर और रेगुलर के कंपेयर में रेगुलर सबसे ज़्यादा बेस्ट है, हाँ मेरे लिए तो रेगुलर सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, और यही बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो रेगुलर वर्ब्स होती हैं वे संख्या में ज़्यादा होती हैं, कितनी खुशी की बात है भाई। इररेगुलर जो थी वो मतलब अच्छी नहीं थी, मतलब हमें अच्छी नहीं लगती, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बिल्कुल ही अलग, दो सेम एक अलग, समझ में नहीं आ रहा भाई। ये रेगुलर जो थी वो बिल्कुल आसान थी, डी लगाओ ई डी लगाओ सेकंड और थर्ड फॉर्म में। तो यही है कि रेगुलर और इररेगुलर में से जो रेगुलर वर्ब्स हैं वो क्या हैं, वो संख्या में ज़्यादा हैं और यूज़ भी ज़्यादा होती हैं। मान लो कोई भी ऐसे है, कोई भी पहरा है, उसके अंदर आपसे आपको रेगुलर या इररेगुलर में से छांटना है, तो ज़्यादातर कौन सी पाएंगी, रेगुलर ही पाएंगी, और ये बात मैं प्रूव भी करूँगी। देखो दोस्तों जो रेगुलर होती हैं वो 97% होती हैं, रेगुलर 97% होती है और इररेगुलर 3% होती है। अगर हम इतनी जो इररेगुलर होती है वो इतनी होती है 3-4% संख्या में भी और यूज़ में भी, और इसी तरह देखो ये ज़्यादा हैं, अगर आप इन 3% को याद कर लोगे तो बचा क्या, अगर आप इन 3% इररेगुलर को याद कर लोगे तो बचा क्या, सिर्फ रेगुलर बचा। तो मैं वही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि जो रेगुलर होती हैं वो संख्या में भी ज़्यादा होती हैं, ज़्यादातर होती हैं। देखो एक ये वाली हो रहा है एल ई ए आर एन टी, करंट मतलब अर्न, जो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है ना उसमें आता है एल ई ए आर एन टी, मतलब आता था पहले ये आता था एल ई ए आर एन टी एल ई ए आर एन टी, पर अब जो लोग हैं ना वो इसको भी बदल के रेगुलर कर रहे हैं, यहाँ दो जो लोग हैं वो रंट की जगह ई डी का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ भी ई डी का यूज़ कर रहे हैं, तो अब ये भी रेगुलर ही है, जो ये है ना ये भी रेगुलर है, अब तो जो इररेगुलर है ना उनको भी रेगुलर बनाए जा रहे हैं। देखो कितनी अच्छी बात है ना, रेगुलर वर्ब्स जो रेगुलरली, देखो एक शब्द सा नहीं बन गया, रेगुलर वर्ब्स ज़्यादा भी हैं संख्या में भी ज़्यादा, यूज़ भी ज़्यादा होते हैं, मतलब ये रेगुलरली रहती हैं अपने जगह पर रहती हैं, ये रेगुलरली हैं, तो ये क्या है रेगुलर वर्ब्स, और ये क्या है इररेगुलर। अब मैं इस बात को कि रेगुलर वर्ब्स ज़्यादा होते हैं इररेगुलर से, इररेगुलर से ये बात मैं आपको
प्रूव करूंगी। देखो कैसे, मैं एक ए हेयर एंड द टोर्टोइज का आपको एक ऐसे यहाँ अब आपको आएगा, उसके उसके माध्यम से हम देखेंगे कि रेगुलर ज़्यादा हैं या इरेगुलर ज़्यादा हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों थोड़ी सी प्रैक्टिस। तो देखो मैंने यहाँ ए हेयर एंड ए टोर्टोइज का ऐसे ये रखा है, इसमें हम समझेंगे कि इरेगुलर ज़्यादा हैं या रेगुलर ज़्यादा हैं। इस ऐसे के अंदर हम देखेंगे कि रेगुलर ज़्यादा हैं या इरेगुलर ज़्यादा हैं। पर हम देख लेना, जितने भी सेंटेंस लिखे होंगे ना, हर सेंटेंस के अंदर वर्ब तो पाएंगी ही पाएंगी। ऐसे बताया था ना, बिना खाना खाए एनर्जी कैसे मिलेगी। बिना खाना मतलब कि हमें एनर्जी लेने के लिए खाने की ज़रूरत होती है ना। ऐसे यहाँ है कि हर सेंटेंस में वर्ब तो होता ही होता है, ठीक है। वंस ए हेयर लिव्ड इन जंगल, अब यहाँ देखो लिव्ड आ गया, रेगुलर। मैं थोड़ी सी और आगे पढ़ी, ए टोर्टोइज आल्सो लिव्ड, फिर मुझे एक और मिल गई रेगुलर। फिर मैं थोड़ी सी और आगे पढ़ी, दे बिकम फ्रेंड्स, द हेयर वाज प्राउड ऑफ हिज स्पीड, ही लाफ्ड, मुझे फिर एक और मिली लाफ्ड। फिर मैं और आगे गई, एट द टोर्टोइज फॉर इज स्लो स्पीड, द टोर्टोइज कुड नॉट बियर दिस, ही आस्क्ड, मुझे फिर एक और मिली। फिर मैं आगे गई और आगे बढ़ी, ही आस्क्ड द हेयर टू रन ए रेस, द हेयर एट वंस एग्रीड, मुझे एक और रेगुलर मिली। तो इसके अंदर देखो दोस्तों, रेगुलर जो है वर्ब्स हर सेंटेंस में तो नहीं पाई, पर रेगुलर वर्ब्स पाई हैं और इरेगुलर से ज़्यादा पाई हैं, इरेगुलर से ज़्यादा पाई हैं। अब देखो यहाँ एक ये रही इरेगुलर, और देखते हैं हेयर वाज प्राउड ऑफ स्पीड, आगे देखो एक ये रही इरेगुलर, बियर ये होती है बोर्न की। फिर हम और आगे बढ़े, मतलब हमें दो कितनी पाई है, हमें एक तो ये वाली पाई है इरेगुलर की, और जितनी भी हैं सारी हमें रेगुलर पाई है। मतलब इरेगुलर के कंपेयर में रेगुलर वर्ब सबसे ज़्यादा हैं। तो जो मैंने कहा था वो बिल्कुल सही है कि रेगुलर वर्ब जो होती हैं दोस्तों, वे संख्या में भी ज़्यादा होती हैं। जो रेगुलर वर्ब्स होती हैं वे संख्या में भी ज़्यादा होती हैं और उनका यूज़ भी ज़्यादा होता है। जहाँ भी देख लेना, इरेगुलर से ज़्यादा पाएंगी रेगुलर, इरेगुलर से ज़्यादा पाएंगी रेगुलर। तो दोस्तों आज हमने क्या पढ़ा था, आज हमने वर्ब की फॉर्म्स पढ़ी, हमने रेगुलर पढ़ा, इरेगुलर पढ़े और थोड़ी सी प्रैक्टिस की। हमारी वर्ब की वीडियो यहीं तक कंप्लीट होती है। हमने क्या पढ़ा था, हमने इनकी डेफिनेशन पढ़ ली है, टाइप्स कितने होते हैं, उनकी डेफिनेशन और वर्ब की फॉर्म्स क्या होती हैं। इससे अगली वीडियो में ये तो यहाँ तक हो गए ख़त्म, इससे अगली वीडियो में मैं एडवर्ब्स शुरू करूँगी। ये क्या थे, ये वर्ब थे और वो होंगे एडवर्ब, ठीक है। ये तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।